नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। अंतिम समय में कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। जो लोग भी ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और स्किप करोगे तो आप अपना नुकसान करने वाले हो। ठीक है, थोड़ा से भी आप ये मत करिएगा कि आगे भगा के देख लें पीछे भगा के, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ। एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे आप 70 प्लस नंबर आसानी से गेन कर लो। और ये वीडियो ऐसे ही नहीं बन रही है, ये वीडियो देखा गया प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो आपका ALP का हुआ, ग्रुप डी का हुआ, ठीक है, उसके हिसाब से बनाया जा रहा है, किस हिसाब से प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले एग्जामों में कहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो जैसा कि लिखा फ्री में होगा सिलेक्शन, कहीं पर कोई पैसा नहीं देना, आप पढ़ के खुद से करने वाले हो। ठीक है, तो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन क्लिक कर ले, क्योंकि आगे भी आपको यहाँ पे इसी प्रकार के वीडियोज अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग अभी तक RRC ग्रुप डी या फिर RRB NTPC का ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, वो परीक्षा आपका ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप कोई भी टेस्ट ग्रुप डी NTPC का लेंगे। 40% का डिस्काउंट चल रहा है एग्जाम GTT प्रोमो कोड अप्लाई करने पे। और एक चीज और, यहां पे 10 या 12 टेस्ट नहीं, आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं ऑनलाइन देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चीज़ों को बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए ग्रुप डी का एग्जाम होना है फरवरी बाद ही होगा, क्योंकि NTPC का आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। और ये मान के कुछ बच्चे ये बैठ गए हैं पकड़ के कि हम नहीं पढ़ेंगे जब तक हमारा NTPC का एग्जाम नहीं हो जाता, या फिर हम नहीं पढ़ेंगे जब तक हमारा शेड्यूल नहीं आ जाता। और ये मैं रियल बात बता रहा हूँ, और अगर जो आप ये गलती कर रहे हो ना, तो आप एक बार कान पकड़ लो कि हम ऐसी गलती अब नहीं करेंगे, और आज से हम पढ़ने वाले हैं, और अब हम ये नहीं। अब एक कहानी मैं सुना देता हूं, उससे पहले आप ये मत कहना कि बकते हैं ये करते हैं वगैरह, थोड़ा सा सुन लो। एक तालाब था, उसके ऊंचे पहाड़ था, कुछ मेढक थे, लगभग 15-20 मेढक थे। वो पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार गिर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेढक हार मान लेते हैं। एक मेढक रहता है जो बार बार चढ़ता रहता, और यहाँ पे कुछ मेढक उससे बोलते हैं मत चढ़ो, नहीं कर पाओगे, लेकिन वो मेढक लास्ट में सफल हो जाता है, पहाड़ पे चढ़ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे वो कैसे चढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि एक रीजन था, वो सुन नहीं सकता, वो बहरा था। और अगर जो वो सुन सकता और लोगों की बातें सुन लेता कि हाँ हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाऊँगा, ये इम्पॉसिबल है, तो ये वो क्या वो चढ़ पाता? वो भी हार मान लेता। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे टारगेट करो। तो CBT एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होने, इसलिए मैंने बोला आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करो, बहुत फ़ायदा होगा। 90 मिनट का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 4 पोर्शन से प्रश्न आने वाले हैं, जनरल से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन। इसको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सबको पता है। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें 20 क्वेश्चन। ये 4 पोर्शन से प्रश्न आने वाले हैं। और बात करें, आपको मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे आपके ग्रुप डी एग्जाम में मान लीजिए आपके 100 फॉर्म पड़े हैं टोटल मान लीजिए, तो उसमें 20-25% अच्छे ऐसे होते हैं जो कभी ऑनलाइन एग्जाम दिए ही नहीं होते हैं। उनको लगता है हम लैपटॉप के अलावा मोबाइल पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप परीक्षा ऐप डाउनलोड तो करो, आप एक बार टेस्ट बाय तो करो, उसके बाद आप उसकी इम्पोर्टेंस समझोगे। कुछ नहीं करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड करना है। ग्रुप डी के हैं तो ग्रुप डी को सेलेक्ट करिए, NTPC का तो NTPC को सेलेक्ट करिए। ये टेस्ट को बाय करते समय ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिए, 250 का टेस्ट आपको कितने का मिल जाएगा, 150 का मिल जाएगा, टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन दीजिए, ऑनलाइन तुरंत रिजल्ट लीजिए, तुरंत देखिए आपने कितने क्वेश्चन तय किए, और अगर जो आप 70 प्लस करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट को कोई नहीं छीन सकता। तो जाओ आजमाओ अपना लक, और देखो आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। चलो हम शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन अब आते हैं हमारा मेन जो आज का मुद्दा था आज इस वीडियो को बनाने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें, सारे चीज़ों को जो मैंने बनाया है ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर एग्जाम पे, ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया। अगर जो आप रीजनिंग की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ग्रुप डी हो या NTPC,
ग्रुप डी हो या एनटीपीसी, सिलेक्शन तीन चैप्टर से, तीन पोर्शन से होगा। एक तो आपका मैथ, एक तो आपका मैथ, दूसरा होगा आपका रीजनिंग, तीसरा होगा साइंस। आप जीके पे भरोसा नहीं कर सकते, करंट अफेयर्स पे भरोसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो हम जीके में 20 में 15 कर लेंगे। आपको तीन चीज़ों पे फोकस करना है, सबसे पहले पे फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है मैथ में कि आपका 25 आ रहा है तो मैं 22 से 23 करके आऊँगा। रीजनिंग अगर जो 30 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं 26 से 28 क्वेश्चन करके आऊँगा, इससे कम तो नहीं करूँगा। तो ये आज आपको शपथ लेनी है, ये आज आपको पढ़ लेनी है। कैसे करोगे ये भी यहाँ पे आज पता चलने वाला, कौन कौन से चैप्टर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूँ। देखो अगर जो आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो ग्रुप डी है एनटीपीसी से, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट सुधीर MDL सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहाँ से फॉलो कर लो। कुछ भी पूछना हो मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। और यहाँ पर बात करें, मैं रीजनिंग के PDF बनवा रहा हूँ, वो आपका जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लेना है, वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात बता लेता हूँ। अगर जो 30 क्वेश्चन आते हैं तो जो मैं अभी अभी चैप्टर बताने जा रहा हूँ तो 20+ क्वेश्चन आपके यहीं से रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। गांठ बांध लो, लिख के वहाँ पे चस्पा कर लो दीवार पे, जहाँ पे भी तुम बैठे हो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर जो आया तो मुझे बोलना कि सर आपने बताया था इन इन चैप्टर से 20+ क्वेश्चन आएगा और नहीं आया, ठीक है। तो चलो देख लो। तो सबसे पहले मिरर इमेज वाटर इमेज, मिरर इमेज वाटर इमेज इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपको यहाँ यच दे देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिरर इमेज वाटर इमेज, ये दोनों एक दो तीन, दो से तीन प्रश्न आपके यहाँ से पक्का है ग्रुप डी हो या NTPC हो। उसके बाद सिलॉगिज्म से दो से तीन प्रश्न यहाँ से पक्के हैं। फिगर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आए थे ALP और ग्रुप डी दोनों एग्जामों में। जो लोग पेपर दिए हैं, जो लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वो लोग जो मैं चैप्टर बताऊँ उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, यहाँ से प्रश्न आने हैं। आगे बात करें अल्फाबेटिकल सीरीज, यहाँ से प्रश्न आने हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज से 4 से 5 प्रश्न भी बन सकते हैं। नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने हैं। स्टेटमेंट एंड एनालॉजी बेस्ड, ये वाले प्रश्न आने हैं। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, यहाँ से प्रश्न आने हैं। फिगर कॉम्पोजिशन, यहाँ पे फिगर 4 बना देगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे क्या रहेगा, फिगर कॉम्पोजिशन, यहाँ से प्रश्न आने हैं। तो ये कुछ चैप्टर है 8, इनको आप लिख लो। रीजनिंग की बात करूँ तो आप जब बुक उठाओगे, कोई भी रीजनिंग की बुक उठाओगे तो आप सोचोगे इसमें तो 35-40 चैप्टर दिए हैं तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा। तो 35-40 आपको पढ़ने ही नहीं है, 35-40 में से जो और सब चैप्टर है वो आप कर सकते हो, अगर जो आप इतने को पढ़ लेते हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो आप इतने को पढ़ लेते हो जितना मैंने बताया, तो आप अगर जो 20 यहाँ से करते हो तो और जो क्वेश्चन आएंगे 5 वहाँ से करते हैं। देखो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बता देता हूँ। कैलेंडर एक चैप्टर होता है, कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर, ठीक है, ये कैलेंडर से बात करें, एक या कभी कभी दो आ जाता है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता है। अब कैलेंडर का चैप्टर पढ़ता है थोड़ा सा कठिन, अब कठिन पढ़ता है, जिन लोगों ने सीख लिया उनके लिए अच्छी बात है, अगर जो आपको नहीं समझ में आता, नहीं सीख पाते तो आप डेली उसमें टाइम वेस्ट करना ये कहीं का वो नहीं है, माइंड पर्सन है कि आप उसको छोड़ सकते हैं। कैलेंडर नहीं समझ में आता तो एकदम से छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आपके सिलेबस में कैलेंडर का चैप्टर भी है। टाइम एक आता है घड़ी का, घड़ी का आप सीख सकते हैं, घड़ी का सिंपल है, घड़ी का मैं नहीं कहूँगा, घड़ी से एक प्रश्न का जो आता है तो आप कर लिए, ठीक है, घड़ी का आप वैसे भी कर लेंगे, अगर जो आप नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लेकिन घड़ी आप ये 2-3 घंटे का चैप्टर है, उसको आसानी से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, इनको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से कम 50 से 70 क्वेश्चन यहाँ के आप लगा धरिए, प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, नहीं आता तो पहले सीखिए, उसके बाद डेली 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जो मैंने बोला बहुत ही फायदा होने वाला है, और इसका PDF आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ये तो हो गया रीजनिंग की बात, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, आइए मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ के लिए ग्रुप डी के लिए 100% श्योर सिलेक्शन ट्रिक की PDF अवेलेबल है, ट्रिक नहीं है, PDF है, कंप्लीट PDF है मैथ का पूरे चैप्टर का। इतने ही चैप्टर नहीं दिए हैं, और भी चैप्टर दिए हैं, अलजेब्रा भी दिया है, अलजेब्रा से एक प्रश्न आपका कंफर्म है, आना ही आना है, लेकिन इसमें अलजेब्रा मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि एक प्रश्न के लिए आप पूरा अलजेब्रा उठाओगे। इससे अच्छा आप ये वाला PDF ले लो, आपको टोटल मैथ को कवर कर देगा, आप 5 से 6 दिन में इस PDF को पूरा रिवीजन कर सकते हो, और इससे आपके
80 से 90 प्रश्न यहीं से आने वाले इस पीडीएफ से, और इससे बाहर नहीं जाने, नंबर चेंज होंगे लेकिन आपका प्रश्न वही रहेगा। तो यहाँ पे बात करें कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैथ के लिए जहाँ से 70% प्लस प्रश्न यहाँ से कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेन आपका एक क्वेश्चन पक्का, टाइम एनवर के एक से दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं, पाइपन के पाइप और टंकी से एक क्वेश्चन पक्का है, एवरेज से एक क्वेश्चन पक्का है, परसेंटेज से दो से तीन क्वेश्चन पक्के हैं, SICI से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस से एक से दो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से एक से दो क्वेश्चन, LCM SCF से एक से दो क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से पाँच से छः क्वेश्चन। और इस नंबर सिस्टम की बात करें, पाँच से छः क्वेश्चन मैंने बोला, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, कर्ली, घातांक, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड है। तीन चार चैप्टर स्टार्टिंग के जो होते हैं उसी में नंबर सिस्टम टोटल आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन, पाँच से छः क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके अगर जो 25 क्वेश्चन आते हैं तो 15 से 18 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन्हीं चैप्टरों से आने हैं। तो क्यों ना इन चैप्टरों को इम्पोर्टेंट करके अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लगाएं, और जिनको नहीं आता वो वाला पीडीएफ ले लें, बहुत ही फ़ायदा होने वाला। तो ये तो हो गया, हमने रीजनिंग की बात की, मैथ की बात की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हमने रीजनिंग की बात कर ली, हमने मैथ की बात कर ली, अब आते हैं हम जनरल नॉलेज पे, ठीक। जनरल नॉलेज मैं वीडियो शुरू से करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास लूसेंट की बुक है और जो लोग लूसेंट को दो तीन बार पढ़ चुके हैं उन लोगों की जीके अच्छी होगी, उनको बहुत फ़ायदा होने हैं। लूसेंट बुक की महत्ता समझो, बहुत ही फायदे वाली बुक है। तो आइए बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज में आपको बता देते हैं लूसेंट से जीके में क्या क्या पढ़ना है। कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ डालिए, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट, भारत का भूगोल, पॉलिटी कंप्लीट पढ़ा लिए, और एक बार नहीं पढ़ना है आपको, तीन तीन बार पढ़ना है। आसानी से आप देखो यार ख़त्म कर सकते हो, बहुत टाइम है अभी, दो लगभग दो डेढ़ दो महीने का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से दो दो तीन तीन बार इसको कवर कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हो। वंश के संस्थापक, प्रमुख वंश के संस्थापक आपको पढ़ना, जैसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, और हर वंश में एक न एक प्रतापी राजा होता है या ताकतवर राजा होता है, उस ताकतवर राजा के बारे में पढ़ना, उसने क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं ये पढ़ना, अंतिम शासक उस वंश का कौन था, और उस वंश के जो शासक थे उनकी प्रमुख पुस्तकें क्या क्या थीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप नोट्स बना के पढ़ो या रट डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के नारे, समाज सुधारक, साथ में लूसेंट का स्टैटिक जीके वाला पार्ट दे दी, दो दो तीन तीन पन्ना या टॉपिक टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर दो, वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो जीके का पार्ट हो गया, अब साइंस की बात करें, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोला मैं जीके के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, सॉरी 10 नहीं 20 क्वेश्चन आने हैं, हाँ 20 क्वेश्चन आने हैं टोटल, और जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा, और टोटल रहेगा जो भी 10 से 12 क्वेश्चन जो भी रहेगा वो अलग अदर हिस्ट्री ज्योग्राफी भूगोल पॉलिटी रहेगा। इसलिए मैंने बोला आपके किसी भी एग्जाम, इस एग्जाम की बात करें रूबी में, इसमें मैथ और रीजनिंग और साइंस पे फोकस करो, ज़्यादा आपका एग्ज़ाम निकलवा देगा यार, क्योंकि साइंस के यहाँ पे देखो साइंस के 25 आ रहे हैं, मैथ के 25 आ रहे हैं, रीजनिंग के 30 आ रहे हैं, इन सबको अच्छे से कर लिए तो एग्ज़ाम निकल जाएगा यार, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आइए यहाँ पे बात करें साइंस की, तो लूसेंट से आप साइंस थोड़ा सा दिया है, लगभग 50-60 पन्ने की साइंस दी है, अगर जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सॉरी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखो तो पूरा आसानी से कर सकते हो। पहले काम लूसेंट को पूरा अच्छे से पढ़ डालो, लूसेंट को अच्छे से साइंस को पूरा कंप्लीट कर डालो। आप इसके पहले साइंस कहीं से पढ़ो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाहिर सी बात है पढ़ाई कर रहे हो, फॉर्म डाले तो पढ़ तो ही रहे होगे, लेकिन अभी क्या करना है लूसेंट का साइंस पूरा कंप्लीट कर डालो, तीन बार रिवीजन करो हर का, मतलब कैसा नहीं कंप्लीट करने के बाद हम बंद करके रख देते हैं, तीन बार रिवीजन करो, यानी कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बायो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका साइंस के लिए, और बायो से अगर जो बात करें तो डिजीज, सेल्स, ब्लड, विटामिन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। विटामिन की बात करें एक क्वेश्चन पक्का है, ब्लड से बात करें 102 क्वेश्चन पक्का है, डिजीज से बात करें क्वेश्चन पक्का है, सेल्स से भी एक क्वेश्चन पक्का है, ये कुछ आपके गोल्डन चैप्टर है।
ठीक है, सोने से भी महंगा है कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इन सारे चैप्टरों को पढ़ लो आप। फिजिक्स की बात करें, प्रमुख आविष्कार यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट, यंत्र ऊर्जा, यंत्र का काम, ओम का नियम, ये सारों से प्रश्न बनते हैं, ये सारे से प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको पूरा फिजिक्स पढ़ना है लूसेंट से, पूरा फिजिक्स पढ़ना है लूसेंट से। साथ में हमारे चैनल पर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसको भी ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आपको बहुत फायदा होगा। रसायन की बात करें, यहाँ से आपको केमिस्ट्री में पता होना चाहिए आपका, हर पोर्शन में, हर सेट में आपका एक एक प्रश्न, आवर्त सारणी से कभी कभी दो दो प्रश्न आ रहा था, तो रसायन की बात करें पूरे साइंस के पोर्शन का, तो 10-15% प्रश्न बनते हैं सिर्फ आपका साइंस का, 100% मांगे तो लगभग 65-70 तो बायोलॉजी से आते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इसमें आवर्त सारणी, इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूले मतलब होता है जैसे जल का सूत्र क्या हो गया, आपका नमक का फार्मूला क्या हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो गया, धावन सोडा, फिटकरी का फार्मूला क्या हो गया, इसको याद रखना है। एसिड बेस, पीएच वैल्यू क्या होती है, जैसे ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होता है, नमक की, पानी का पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू, मूत्र का पीएच वैल्यू, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री पूरा पढ़ोगे आप लूसेंट से 3 बार। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैंने बता दी जिनको आप भूलना मत पढ़ना। आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से मैंने बोला 8-10 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कुछ चीज़ें जिनको मैं भूल गया था। आपकी मैथ की पीडीएफ की बात हो गई, आपका जनरल नॉलेज की भी पीडीएफ आप ले सकते हैं, लिंक आपको, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 4 पीडीएफ होंगी आपकी, साइंस की, मैथ की, और आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स की, चारों को आप बाय कर लो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी वहाँ से होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ करंट अफेयर्स की बात करें, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो 8-10 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन इसमें जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो मैं टॉपिक अभी बताने जा रहा हूँ, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, इसको गांठ बांध लो, इसको भी आप चिपका लो, यहाँ से आने। कौन कौन से बुक्स एंड ऑथर, स्पेशली 2018 में जितनी किताबें आई थी उनको रट डालो, उनके राइटर कौन है, कौन कौन सी आई थी 2019 में, अभी तक जितनी किताबें हैं दोनों साल की 2018-2019 इसको रट डालो। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, करंट में कौन कहाँ किए हैं इसको रट डालो। राज्य राजधानी आपको अभी से रट डालो, मुख्यमंत्री देखते रहो कौन कहाँ के बदल रहे हैं, और जो है उसको पढ़ डालो। आगे चर्चा करें प्रमुख देशों की राजधानियाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये अगली बार की एग्जाम की बात करें, जिस देश में मोदी ने ट्रैवल किया था, प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहाँ देश के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी से देखो 2018-2019 लेके कौन कौन से देश में मोदी ने ट्रैवल किया है, आप उस देश की राजधानियां और वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, ये सब रट डालो, और ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जनगणना सेंसस 2011 की है तो 2011 की रट डालो। नेक्स्ट जनगणना 2021 में होली, उससे रिलेटेड अगर जो कुछ फैक्ट आते हैं तो उसको देख लो, नहीं तो 2011 की जनगणना आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट इंडेक्स, एक क्वेश्चन पक्का, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिलीज किए जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो, ठीक है, बात करें हैप्पीनेस हो गया, उसके बाद हो गया पावर्टी इंडेक्स हो गया, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं निकल के, उनको आप देख लेना, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे इंडिया इंडेक्स, वो आ जाएगा, ठीक है। बात करें स्पोर्ट की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप का हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स का होगा, ओलंपिक गेम्स का होगा, अदर जो नेशनल गेम्स होते हैं, जो भारत में जैसे खेलो इंडिया होता है, भारत में जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो अभी मैं बताऊँ 5-6 क्वेश्चन यहाँ से, जो इतने टॉपिक मैंने बताए यहाँ से पूछे जा रहे हैं, टोटल 8-10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। तो बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, ले सकते हैं, लिंक आपको सारी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो ऑनलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, फोर्स करना पड़ता है, और आप लोग पता नहीं क्या करते हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है देना, और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, आप लोगों की क्या राय है मेरे इस वीडियो को लेके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ऐसे मैं मोटिवेशन वीडियो देता रहता हूँ, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना, और आओ एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी भी जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।